हम करने जा रहे हैं पेज नंबर एट से लेकर पेज नंबर टेन तक जो दस सवाल दिए गए हैं टेन क्वेश्चन हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे आज हमने जिन मैथमेटिकल अरिथमैटिकल ऑपरेशन की बात करनी है वो है एडिशन एंड सब्ट हमें पता है कि मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन जिनको कहते हैं हम वो होते हैं बेसिक चार उसमें हमारे पास होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ठीक है ये बातें हमें पता है और इन्हीं अर्थमैटिक ऑपरेशन बेसिक को लेके हमने आज बात करनी है और उनमें से भी सिर्फ दो को डिस्कस करना है कि आपने उन नंबर्स की जो हमने एक्सरसाइज ए में पढ़े थे उनकी एडिशन कैसे करनी है ठीक है एडिशन हमने करनी है वर्टिकली इस तरह ठीक है वर्टिकल एडिशन और वर्टिकल सब्ट्रैक्शन इन दोनों को आज हमने सीखना है और स्टडी करना है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर वन से फिल इन द ब्लैंक्स टेन थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस फाइव इज इक्वल टू आपने इन सारे के सारे नंबर को एड करना है और बताना है कि फाइनल नंबर क्या है आप यहां लिखे वैल्यूज वैल्यूज किस तरह है मैं इनको पहले ही वर्टिकली लिख देती हूं टेन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फाइव अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास फाइव जीरो 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 प्लस नाइन नाइन यहां पर हमारे पास क्या है टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन ठीक है ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया सिक्सटीन नाइन जीरो फाइव और आप इसको ऐसे पढ़ें सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फाइव तो ये आपका आ गया आंसर ठीक है वर्टिकली इसको ऐड करके भी देख ले और बहुत सारे बच्चों को तो ये बात मेंटल मैथ्स की तरह दिमाग में आ जानी चाहिए फॉरम से कि आपने किस तरह से इस वैल्यू को लिखना है पार्ट बी माइनस डैश इज इक्वल टू एक वैल्यू ऐसी बतानी है जो अगर हम 12,500 में से माइनस करें तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी अब आप मुझे बताएं कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं और उनमें से हम एक वैल्यू को बिगर नंबर में से माइनस कर देते हैं तो जो बाकी की एक वैल्यू बचेगी वो भी तो वही वैल्यू आएगी राइट right? इस बात को इस तरह से करें इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है पार्ट बी मैं डिफरेंट कलर्स में करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का पार्ट कैसे करना है आप इसको भी वर्टिकली लिखें 12,500 इसमें से आपने माइनस करना है 5600 सिक्स ठीक है इसको आपने माइनस करना है और आपने वैल्यू नीचे लिखनी है यहाँ पे अच्छा सबसे पहले हम जीरो माइनस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो अब यहां पर हमारे पास एक स्मॉलर नंबर है बच इज फाइव और बिगर नंबर है सिक्स तो हम स्मॉलर में से बिगर को माइनस नहीं कर सकते इसलिए हम क्या करेंगे हम यहां से एक नंबर कैरी करेंगे ये जो टू है ये बन जाएगा वन और ये जो टू का वन यहाँ पर आएगा वो हम यहाँ पर वन के साथ एड कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन में से हमने सिक्स को माइनस करना है तो आंसर होगा नाइन उसके बाद इलेवन को अगर हम ना देखें इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इलेवन में से फाइव माइनस कर दें लेकिन इसको करने का एक ये भी तरीका है कि अगर हम कैरी करें ठीक है हम माइंड में भी कैरी कर सकते हैं हम यहाँ भी लिख के कैरी कर सकते हैं ये वन जीरो रह जाएगा और ये वाला वन इस वन के साथ एड होके इलेवन बन जाएगा इलेवन माइनस फाइव आंसर विल बी सिक्सटी नाइन हंड्रेड ठीक है समझ आ गई वर्टिकली आपने इसको ऐड करके देख लेना है कि क्या आंसर बनता है ओके पार्ट सी 100 मोर देन 99990 इक्वल्स टू डैश आप मुझे बताएं कि 100 मोर की बात हो रही है यानी एक वैल्यू हमारे पास दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि एक सौ ज्यादा अगर वैल्यू जिसमें हम ऐड कर दें तो आंसर क्या होगा तो मोर का मतलब है ऐड कर रहे हैं ओके पार्ट सी पार्ट सी में हमारे पास बिगर वैल्यू क्या है नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी और कहा जा रहा है हंड्रेड मोर ओके पर हम कर देते हैं अब आप इसको करें लगाएंगे वन कैरी जाएगा पता चला मैंने क्या किया जब हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जाम्पल टेन हम यहाँ पर टेन नहीं लिख सकते हम इसीलिए क्या करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अगली वैल्यू की नंबर ने आना है ना तो हम इस टेन को यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड वाला नंबर होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं और राइट right वाले नंबर को हम कैरी कर देते हैं नेक्स्ट नंबर में यानी ऐड कर देते हैं नेक्स्ट नंबर में नाउ नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा नाइन और वन फिर से टेन आ गया फिर जीरो यहाँ लगाएंगे वन कैरी कर देंगे ताकि ये जो वन है ये अगले नंबर में एड हो जाए नाइन प्लस वन फिर से टेन तो हम यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू का पूरा नंबर लिख देते हैं so समझ आ गई सबको ऑल राइट right. अच्छा जी पार्टी टू मेक वन हंड्रेड एंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी तो इस वैल्यू को बनाने के लिए किसको ऐड करना पड़ेगा तो आप देखें हमारे पास दो वैल्यूज हैं दो वैल्यूज में हमने डिफरेंस पता करना है डिफरेंस का मतलब हमने माइनस करके देखना है बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को ताकि हमें पता चल जाए कि कितना फर्क है दोनों में और जितना फर्क है वो एड होगा तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी समझ आई बात इस तरह इसको यहां पर देखें पार्ट हमारे पास है डी पार्ट डी को देखें डैश मस्ट बी एडेड टू वन हंड्रेड थाउजेंड फिफ्टी टू मेक वन जीरो टू वन हंड्रेड एंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी इसमें से हमने क्या करना है माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बचता है ठीक है अच्छा दी, okay, जी माइनस करें ओके जी जीरो माइनस जीरो जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो फाइव माइनस जीरो फाइव ओके टू माइनस जीरो टू जीरो माइनस जीरो जीरो वन तो इन टू को लिखने की जरूरत नहीं है so हमारे पास आंसर क्या आ जाता है ट्वेंटी तो e, फिर से हमारे पास वही बात आ गई जैसे पार्ट बी में थी दो वैल्यूज है दोनों का डिफरेंस पता करना है जैसे हमने यहां किया है ठीक है तो हम इसी तरह दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाए ठीक है अच्छा जी हम पहले बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे पार्ट ई बिगर नंबर क्या है फोर नाइन थ्री नाइन सिक्स इसमें से माइनस करेंगे जो दूसरी वैल्यू दी हुई है टेन थाउजेंड एंड एटी सिक्स माइनस करना है आइए इसको सॉल्व करते हैं वेरी इजी सिक्स माइनस सिक्स जीरो नाइन माइनस एट वन थ्री माइनस जीरो थ्री नाइन माइनस जीरो नाइन फोर माइनस वन थ्री सो आंसर थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड टेन समझ आ गई यहां तक बच्चों हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो गया जितने भी आंसर्स मैंने यहां लिखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये आप इन ब्लैंक्स में लिख दें और आपको आज पता चल गया कि किस तरह से हमने एड करना है सब करना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है ओके okay? हाँ जी तो अब हमने देखना है पार्ट टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स अब हमारे पास पांच स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हम इनको पढ़ेंगे देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यानी ट्रू हैं या फॉल्स हैं अगर ट्रू होंगी तो ट्रू लिख देंगे और फॉल्स होंगी तो फॉल्स और ये कैसे पता चलेगा बच्चों ये सारा काम आप साथ ही साथ रफ पेज पे या अपनी बुक के कॉर्नर पे सॉल्व करते जाएंगे बेहतर ये है कि ये काम आप एक रफ पेज पे करें और उसको साथ स्टेपल या अटैच कर लें ठीक है अच्छा जी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए 375 हंड्रेड एंड प्लस फोर प्लस वन इक्वल्स टू नाइन तीन वैल्यूज है और हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों को एड करके बताओ कि क्या आंसर नाइन थ्री आता है अभी देख लेते हैं पार्ट ए थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव वर्टिकल एडिशन करते हैं हम फोर हंड्रेड एंड फाइव वन हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री करें जी तीनों वैल्यूज को फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस थ्री थर्टीन थ्री लिखेंगे वन कहां चला जाएगा कैरी सेवन प्लस वन एट एट एंड सिक्स फोरटीन फिर से वन कैरी थ्री प्लस वन फोर फोर एंड फोर एट एट एंड वन नाइन क्या आंसर सेम है हां जी तो ये पार्ट ए का आंसर है ट्रू लिख लें पार्ट बी फोर हंड्रेड मोर देन सिक्सटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री इज सिक्सटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री जब हमें कहा जा रहा है मोर देन लेस देन ठीक है अगर मोर देन की बात हो रही है तो हम ये देख लेंगे कि क्या वो डिफरेंस जो बताया जा रहा है हमें क्या वो ठीक है या नहीं ओके okay जी पार्ट बी हमने दोनों वैल्यूज को लिखना है हम लिखते हैं सिक्सटी नाइन फोर एटी थ्री सिक्सटी नाइन फोर फोर्टी थ्री माइनस करके देखते हैं थ्री माइनस थ्री जीरो, रो माइनस फोर 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 माइनस फोर जीरो नाइन माइनस नाइन जीरो सिक्स माइनस सिक्स जीरो तो इन जीरो नहीं लगाते तो फोर्टी हमारे पास आंसर आ रहा है फोर्टी तो क्या यहां फोर्टी लिखा है फोर हंड्रेड लिखा है विच मीन दिस आंसर इज फॉल्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है अच्छा जी सी सेवन थाउजेंड लेस देन एट इज एट इसको हम क्या करेंगे लेस करके देखेंगे इसी तरह सेम पार्ट है सॉल्व करते हैं सी पार्ट एट हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स माइनस करके दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं सिक्स माइनस सिक्स जीरो वेरी गुड सेवन माइनस जीरो शाबाश सेवन और एटी नाइन माइनस एटी नाइन जीरो जीरो इनको लिखने की जरूरत नहीं है मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ so, क्या आंसर सेवन थाउजेंड है यस तो ट्रू ओके डी पार्ट ज रुपीज एट हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री एंड फहद हैज एट हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंड एंड ट्वेल्व फहदेज मोर मनी देन आसिफ दोनों वैल्यूज को एक दफा आप देखें पार्ट डी में जो वैल्यूज लिखी हुई है उनको देखें पहली वैल्यू है एट नाइन्टी फाइव वन ट्वेंटी और दूसरी वैल्यू क्या है एट नाइन्टी सिक्स जीरो वन टू ये जो अमाउंट है ये है आसिफ की और ये अमाउंट है फाहद की तो आप मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू इसमें से बिगर है हमने एक्सरसाइज वन ए में ये देखा था कि वैल्यूज को हम स्टडी करते हैं और बताते हैं कि कौन सी बिगर है कौन सी स्मॉलर है जो हंड्रेड का पार्ट है उसमें ये वाला बिग लग रहा है ये वाला स्मॉल लग रहा है पर अगर हम थाउजेंड के पार्ट को देखें तो 895,000 ज्यादा होंगे कि 896,000 ज्यादा होंगे किसके पास ज्यादा पैसे हैं? यस yes. तो ये जो स्टेटमेंट यहां लिखी हुई है ये भी क्या है ट्रू ओकेट थाउजेंड टू परचेज अ कार सलमान अ कार फॉर सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज आप बताएं कि किसने ज्यादा मनी दी है अगेन दोनों की दोनों वैल्यूज को आप देखें पार्ट डी के बाद यहाँ पार्ट ई e सॉल्व करते हैं पार्ट ई e में आप देखें जो वैल्यूज दी हुई है एक वैल्यू है हमारे पास सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट थाउजेंड और ये किसने दी है अनस ने दूसरी वैल्यू है सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव ये अमाउंट दी है सलमान अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि सलमान पेड मोर मनी हिज हिस कि सलमान ने ज्यादा पैसे दिए तो क्या आपको लग रहा है ये बात सही है ये स्टेटमेंट है फॉल्स क्यों कौन बताएगा हाँ जी क्योंकि ये पार्ट तो हमें लग रहा है यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो स्मॉलर पार्ट है विच मीन अनस ने कम पैसे दिए और सलमान ने ज्यादा बट आपने पूरी वैल्यू को देखना है थाउजेंड्स के पार्ट में देखें सेवन ज्यादा है कि फाइव ज्यादा है So, ने ज्यादा पैसे दिए हैं सलमान ने कम तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स यहाँ तक बच्चों हमारे ट्रू फॉल्स भी खत्म हो गए और मैं उम्मीद करती हूँ सारा काम मेरे साथ समझ आया हुआ हो होगा और आपने ये जो रफ वर्किंग मैंने की है यह आप अपनी नोटबुक पे या आप एक पेज पे साथ ही साथ सॉल्व कर रहे होंगे ऑल राइट पार्ट थ्री सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमेशा की तरह दोबारा से हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम स्टडी करेंगे थोड़ी सी वर्किंग करेंगे और आंसर डिराइव करेंगे ए द सम ऑफ द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज पहली बात स्टेटमेंट को समझें पार्ट ए में हमसे कहा जा रहा है सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा है और उसके बाद आप मुझे बताएं लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो लास्ट पे फोर डिजिट्स पे होता है लेकिन लास्ट नंबर है उसके बाद जो एक नंबर होगा यानी उसका सक्सेसर फाइव डिजिट का होगा सोचे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर होगा वन थाउजेंड अगर इसके आगे हम देखें तो सारे नंबर्स टेन थाउजेंड तक फोर डिजिट होते हैं लेकिन अगर हम बात करें कि इससे एक कम की बात करें तो नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन होगा इसका मतलब है कि हमने स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर देखना है तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हमारे पास वन थाउजेंड है और लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या होगा नाइनटी 99 नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन अब आप इन दोनों को माइनस करें ठीक है माइनस करके बताएं क्या आंसर आता है आपके पास बच्चों आप जब इसको माइनस करेंगे आपके पास ये आंसर रहेगा ये काम आप खुद करेंगे मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ आंसर हमारे पास आएगा वन डबल जीरो नाइन डबल जीरो ठीक है ये आपका आंसर है इसको आप अपनी बुक्स पे सर्कल कर लें ऑल राइट ओके स्टेटमेंट बी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज इक्वल टू प्लस करें पार्ट बी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एड करें जीरो प्लस जीरो 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 प्लस जीरो 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 अब यहां पर आपने जीरो प्लस फाइव करना है तो फाइव फाइव प्लस टू सेवन एंड टू विल बी द सेम 275,000 एंड इज योर आंसर ओके जी सी 2400 प्लस 180 प्लस 9 इज इक्वल टू अगेन लॉन्ग एडिशन है सॉल्व करके देख लेते हैं सी 2400, 180 एंड 9, एड करें जीरो प्लस जीरो जीरो एंड जीरो प्लस नाइन नाइन जीरो प्लस एट एट फोर प्लस फाइव एंड टू विल बी द सेम टू फाइव एट नाइन आपका आंसर आ गया ओके डी द डिफरेंस बिटवीन नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन एंड वन थाउजेंड इज इक्वल टू जब हम डिफरेंस की बात करें इसको अंडरलाइन कर लेफरेंस का मतलब होता है माइनस करके देखना है तो हम इसको माइनस करके देख लेते हैं डी पार्ट वैल्यू क्या है जी नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर एंड वन थाउजेंड माइनस करें जी नाइन माइनस जीरो नाइन 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 सेम नाइन माइनस वन एट और नाइन विल बी द सेम नाइनटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन ओके टेक अवे एट हंड्रेड एंड सेवेंटी आप था एट फ्रॉम कौन वाला ओके 900,000 के अंदर से हमने टेक अवे करना है टेक अवे को अंडरलाइन करके लिख अवे मीन सब्ट्रैक्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है हम यहाँ पर पार्ट ई सॉल्व कर लेते हैं पार्ट ई नंबर वी हैव इज nine nine hundred thousand एंड fifty nine और इसमें से माइनस क्या करना है eight hundred and seventy four five hundred and twenty eight चले जी माइनस करते हैं इसका देखते हैं क्या आंसर आता है सबसे पहले हमेशा ये याद रखना है आपने कि बिगर वैल्यू ऊपर आएगी देखें 900 वाली वैल्यू ऊपर उसके नीचे लिखी है पर ये भी जीरो है इस जीरो को कैरी देने के लिए कैरी लेना पड़ेगा फिर इससे पीछे आएंगे कैरी लेने के लिए इस जीरो के पास भी कुछ नहीं है तो ये भी पीछे से कैरी लेगा तो हम बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है इस लाइन में नाइन हम नाइन से एक कैरी दे देते हैं ये एट रह जाएगा और यहाँ पर कैरी के बाद ये बन जाएगा टेन ठीक है बट इस टेन ने वन आगे कैरी कर दिया तो ये रह जाएगा नाइन और ये बन जाएगा टेन फिर इस टेन ने भी आगे कैरी इस जीरो को दे दिया तो ये टेन रह जाएगा नाइन और ये जीरो बन जाएगा टेन अब इस टेन में से हमने फाइव को माइनस करना है टेन माइनस फाइव अब इस नाइन में से हमने इस फोर को माइनस करना है नाइन माइनस फोर फाइव इस वाले नाइन में से आपने ये सेवन माइनस करना है 2, 8 -8, 0. आपका आंसर आंसर इज आपका है ओके okay? समझ आई आपने कैरी इस तरह लेना है और इसी तरह इसको सॉल्व करना है ये काम मैं आगे आने वाले सवालों में भी आपको सिखाऊंगी कि हमने जब वर्टिकल सब्रैक्शन करनी है तो कैरी किस तरह लेना है और कैरी किस तरह देना है ओके okay? All right. यहां तक बच्चों भी हमारा हो गया अब हम करने जा रहे हैं Question number four. Question four में आपके पास नजर आ रहा है आपको add the following. यहां पर वर्टिकल एडिशन की कुछ हमारे पास लिखी लिखी हुई है। मैंने दो लिखी है। हम इनको एड करते हैं एड करके देखते हैं कि आंसर किस तरह आएगा और अगर हमारे पास एक बिगर नंबर आ रहा है टेंस की वैल्यू आ रही है तो टेंस में से लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लिख देंगे राइट हैंड साइड वाला कैरी दे देंगे मैं पार्ट ए सॉल्व कर रही हूँ सिक्स प्लस सेवन थर्टीन थर्टीन में से मैं थ्री यहाँ लिख देती हूँ और वन कैरी कर देती हूँ वन प्लस फोर फाइव फाइव प्लस वन सिक्स ओके एट प्लस जीरो एट नाउ थ्री प्लस फाइव एट फोर प्लस थ्री सेवन इजी कैरी देना और कैरी लेना आपको आना चाहिए बाकी एडिशन तो सब बच्चों को आती है पार्ट बी देखें इसी तरह फाइव प्लस जीरो फाइव सिक्स प्लस थ्री नाइन एट प्लस फाइव थर्टीन थ्री लिख देंगे वन वन कैरी प्लस थ्री फोर फोर प्लस नाइन अगेन थर्टीन वन कैरी थ्री लिख दिया वन कैरी फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व अगेन टेंस टेंस की वैल्यू है वन कैरी कर देंगे टू लिख देंगे सेवन प्लस वन एट एट प्लस वन नाइन एड कर दिया तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू बच्चों दो पार्ट्स मैंने यहाँ सॉल्व किए बाकी के दो को होमवर्क मार्क कर ले वो काम आपने खुद करना है वो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है पार्ट फाइव राइट वर्टिकली एंड एड अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज बच्चों दी गई है वैल्यूज हमारे पास हो एक स्ट्रिप में दी गई है ठीक है हमने क्या करना है इनको वर्टिकली लिखना है इस तरह से और इनको सॉल्व करना है तो ऐड करने के लिए कौन से ऑर्डर की आपको जरूरत होती है आपने ऐड करने के लिए और सब दोनों के लिए जो ऑर्डर याद रखना है वो ऑर्डर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल चले जी सबसे पहले हम देखें बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है फोर्टीन टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन और वन जीरो okay, सबसे ऊपर हम लिखेंगे टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वन सेकेंड पे फोर्टीन और वन जीरो वैल्यू वन जीरो छोटा आ जाएगा सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी थ्री और लास्ट पे हम लिखेंगे फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी एट प्लस करना है इसको ओके okay जी सबसे पहले आप यहां पर देखें स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने इनको ऐड करना है वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस एट ट्वेल्व टू लिखा वन कैरी वन प्लस जीरो वन वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस थ्री सेवन कोई कैरी नहीं जा रहा ओके फाइव प्लस सिक्स इलेवन इलेवन एंड एट नाइनटीन नाइन वन विल बी कैरीड वन प्लस नाइन टेन टेन प्लस एट एटीन एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू 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 विल बी कैरीड ओके टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस जीरो सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन ओके कोई कैरी नहीं है टू प्लस वन थ्री तो बच्चों आंसर आ गया थ्री हंड्रेड एंड सेवन टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू इसी तरह आपने बाकी के पार्ट को भी सॉल्व करना है मैंने यहाँ पे पार्ट फाइव का पार्ट डी सॉल्व किया है आपने यही काम वर्टिकली अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है ये आपका होमवर्क है ठीक है नेक्स्ट पार्ट है बच्चों. पार्ट सिक्स राइट द नंबर विच इज बी बी पार्ट मैंने यहां लिखा है वन थाउजेंड मोर देन टू हंड्रेड थाउजेंड आपने बताना है जब मोर की बात हो रही है इसका मतलब है ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे थाउजेंड को टू हंड्रेड थाउजेंड के साथ और इसको ऐड करने के लिए हम इसको लिखेंगे वर्टिकली लिखते हैं टू हंड्रेड थाउजेंड जब आप डिजिट्स को लिखेंगे बच्चों तो गैप के साथ लिखिएगा ताकि आपके लिए आसान हो कैरी करना और कैरी लेना ओके जी एडिंग इज वेरी इजी। ऑल जीरो पे हम जीरो लिख देते हैं जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस वन वन जीरो टू टू हंड्रेड एंड वन थाउजेंड अगर हम टू हंड्रेड थाउजेंड में वन थाउजेंड एड कर देंगे टू हंड्रेड एंड वन थाउजेंड आ जाएगा दिस इज दी आंसर इसी तरह आपने इस पार्ट का यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट बी मैंने सॉल्व किया है आपने पार्ट ए सी डी सॉल्व करना है यह आपके होमवर्क में मैंने लिख दिया है ऑल राइट मूविंग ऑन अगेन सब्ट्रैक्शन की एक और एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर सेवन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यहाँ पर भी मैंने दो पार्ट लिखे हैं अब यह सब्ट्रैक्शन जरा मुश्किल है मुश्किल इस तरह से है कि कैरी लेना बच्चों को मुश्किल लगता है तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैरी लेना कितना आसान है ठीक है आप लिखते जाएंगे अगर माइंड में आप याद नहीं रख सकते लिख दें क्रॉस करके ज्यादा अच्छा है ताकि आपको नजर आएगा लिखा हुआ तो आप उसको सब ट्रैक्ट ईजिली कर सकेंगे अच्छा मैंने यहाँ पे पार्ट बी और सी लिखा है हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं बारी बारी और बाकी के जो ए और डी पार्ट है वो आपका होमवर्क है ऑल राइट इसको सीखे किस तरह से करना है हमें ये पता है कि हमने बिगर नंबर ऊपर लिख दिया है और स्मॉलर नंबर नीचे ठीक है लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि बिगर नंबर के अंदर तो बहुत सारे जीरोज भी हैं। तो जीरो के साथ हमने कैरी कैसे लेना है आप याद रखें सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे हमारे राइट हैंड साइड से तो थ्री माइनस फाइव नहीं कर सकते थ्री स्मॉलेस्ट नंबर है और फाइव बिगर है तो हम थ्री के लिए कैरी लेते हैं पिछले नंबर से पिछला नंबर भी जीरो है ये कैरी नहीं दे सकता इससे भी पीछे चले जाए वो भी कैरी नहीं दे सकता जीरो है उससे पीछे फाइव ओके फाइव हमें कैरी दे सकता है तो फाइव से हम वन ले लेते हैं हमारे पास फाइव माइनस वन फोर रह जाएगा और ये जो जीरो है ये वन जीरो क्या बन जाएगा टेन इस टेन से हमने क्या किया है एक कैरी आगे देना है तो ये बच जाएगा नाइन और आगे जो कैरी हमने इस जीरो के साथ अटैच किया तो बन गया टेन अब इस टेन ने भी आगे देना है कैरी तो थ्री के साथ जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा थर्टीन और ये पीछे वाला टेन रह जाएगा नाइन अब आपने इस थर्टीन में से फाइव को माइनस करना है थर्टीन माइनस फाइव एट इन इस नाइन में से इस सेवन को माइनस करें नाइन माइनस सेवन टू इस नाइन में से इस सिक्स को माइनस करें नाइन माइनस सिक्स थ्री फिर अगेन ये फोर सेवन को माइनस कर सकता है नो no. तो इस फोर ने पीछे से कैरी लेना है पर पीछे क्या है जीरो हम कहते हैं कि ये टेन लिखा हुआ है हम इस टेन में से एक कैरी आगे दे देंगे तो ये बन जाएगा फोर्टीन ठीक है हमने इस फोर्टीन में से इस सेवन को माइनस करना है तो ये हो जाएगा सेवन तो ये नाइन में से एट माइनस किया तो वन सेवनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट कैरीज लेना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है आपने इसी तरह से कैरीज लेना है एरोज लगा के काम करें ताकि आपको याद रहे कि मैंने कहाँ से कहां एरो देना है कहाँ से कहां एरो लेना है और कहाँ से कहा मैंने सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यूज को माइनस करना है एक और पार्ट को देख लेते हैं पार्ट सी फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे फाइव माइनस सिक्स नो फाइव तो स्मॉल है तो फाइव कैरी लेगा नाइन से नाइन जब कैरी देगा तो ये रह जाएगा एट और वन यहां आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन में से सिक्स माइनस किए नाइन फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन एट माइनस फोर फोर थ्री टू माइनस नाइन पॉसिबल है नो no. टू ने कैरी लेना है पीछे से लेकिन पीछे तो क्या है जीरो हम लास्ट टू जगह नंबर लिखे होते हैं तो हम उन दोनों को एक ही कंसिडर कर लेते हैं हम कहते हैं कि ये फिफ्टी था फिफ्टी ने कैरी दे दिया तो फोर्टी नाइन बच गया तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू हो गई ट्वेल्व क्योंकि वन हमारे पास कैरी आ गया ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन ऐसे कर सकते हैं आप कोई बात नहीं है आप क्या करें नाइन में से फोर माइनस कर दें फाइव फोर में से वन माइनस कर दें थ्री थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन आपका आंसर आ गया ठीक है बच्चों बाकी के दो पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं और यहाँ तक आज का हमारा ये लेसन एक्सरसाइज वन बी कंप्लीट होती है बाकी के क्वेश्चंस जो है वो इजी हैं वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको बेसिक साथ सारी पढ़ा दी है अब आप यहाँ पर होमवर्क का काम देख लें होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट बी सी डी क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट ए बी सी ई एफ क्वेश्चन सिक्स पार्ट ए सी डी क्वेश्चन सेवन पार्ट ए एंड डी क्वेश्चन एट नाइन टेन कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम्स आपने नहीं करनी वर्ड प्रॉब्लम्स आप इससे अगले वीडियो लेसन में, में मेरे साथ मिलके करेंगे यहां तक बच्चों ये काम आपका करना बहुत जरूरी है यहां तक आज का लेसन हमारा खत्म होता है अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम मिलके करेंगे एक्सरसाइज वन बी की वर्ड प्रॉब्लम्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज